यह है कद्दू लोगे तुमने का हथियार, पहाड़ी और भिंडी, भाई सारी सब्जियां हो रही है अपने घर में। तो गुड मॉर्निंग के साथ फिर से स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। भाई लोगों ऐसा है जाना कि आज घर है कुछ खास काम, तो सीधे निकलते हैं घर को। और मौसम दिखा दो को, मौसम काफी बारिश वाला है, चार पानी से ना बारिश का हो रहा है तगड़ा। देखते हैं कब तक ये रहा। शायद बारिश आ सकती है शाम तक या दिन तक, तो अपना ऐसा टाइम पे निकल लेते हैं। सुबह का बज गया 9, गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस ये पहुंच गया अपना भीमताल, दबा वाला भरा भाई आज पानी, क्योंकि ना बारिश हुई है। अभी बारिश की संभावना और बता रखी है, कोहरा देख सकते हैं कितना तगड़ा लगा है। बाकी बोटिंग वोटिंग तो होनी थी आज, तो ठीक है सीधा निकलते हैं। आधा घंटा लगा भाई आने में हल्द्वानी से। तो दोस्तों भोली में पहुंच गए, अपने छोले समोसे खाते हैं। ये पंत अंकल हैं पंजी, बहुत टेस्टी बनाते हैं छोले समोसे। तो ठीक है तो भैया जी अपना चल रहा है नंदा अष्टमी, आज नंदा देवी का मेला आगाज शुरू हो गया आज से मैया का। भैया जी भवानी से निकलते हैं अपना घर को, और देखेंगे आज तक तो मेले का होगा तो दिखाने का क्योंकि। दोस्तों ये अपने नीमपुरी महाराज जी, यहाँ तो भाई हर दिन मेला है, तो ये 15 जून को लगता है, पता है आपको ये हर दिन मेला है। तो मैं सुना दिखा था आपको भीड़ यहाँ की, वहाँ की पार्किंग वार्किंग होटल सारे पैक रहते हैं हमेशा। नहीं दोस्तों 11 बजे पहुँच गया घर आज, ना थोड़ी रोड क्लियर थी इसलिए टाइम नहीं लगा ज़्यादा आने में। बाकी देखते तोरी हो रही है घर में, इससे पहले जब मैं आया था दिखा नहीं पाया था आपको। ये देखते मिर्ची सब तो देखते हैं कितने हो रहे हैं। बाकी ये देखते हैं जामीर कितने तगड़े हो रहे हैं, और गाँव में बता दूँ एकमात्र पेड़ अपना जामीर का। यह है कद्दू लोगे तोड़ने का हथियार, पहाड़ी ये देखते हैं। दोस्तों ये रहा गांव का कुछ नज़ारा, सामने में देवी का मंदिर। हल्द्वानी और भीमताल में तो काफ़ी तगड़ी बारिश थी, और बारिश मतलब बारिश का मौसम था पूरा, और यहाँ देखता कितनी तगड़ी धूप है। असोज लगो असोज, असोज लगा हुआ, असोज क्यों नहीं जानते। असोज होता कि जो घास पास कटती है फसलें कटती हैं। तो ये गाइस कुछ अपना छत से नज़ारा, ये आपने पहले की वीडियो में देखा होगा मेरा, और देखता छोटे छोटे ये लग रहे हैं देखो तोरियाँ, पहाड़ी तोरियाँ लग रही है। बाकी ये नज़ारा पूरा भूड़ी भूड़ हो रखा है ना अभी, क्योंकि चौमास जस्ट ख़त्म हुआ है, तो इसके बाद सब सफाई सफाई होती है, सब अपनी फसल और घास काटते हैं। तो क्या मतलब अपनी सब्जी दिखाता हूँ आपको, इस बार काफ़ी लेट लगाए थे ना, देखो बंदरों से बच गए। तो फिलहाल 2-4 तोड़ता हूँ जितने होते हैं, ये यहाँ पे छुपा है देखो। बाकी मम्मी कह रही है कद्दू और खीरा हो रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। कद्दू तो आगे मैंने तोड़ा था एक पूरा कट गया था वो, बाकी दाड़िम का पेड़ इसी चटनी काट पे टेस्टी होती है, सामने अखरोट का पेड़। ये होने दोस्तों तिल के पेड़, पहले से तो तिल काफी ज्यादा मात्रा में होता था, अब थोड़ी कम होता है, शायद वैसे गिर गया हुआ तब हो गया। बाकी है इवनिंग टाइम, शाम का समझ चुका है। ये जो अपनी पाई थी ना पांचवी छठी प्लान वाली वीडियो, ये देखिए खंडर पड़े घर भाई, नीचे देखे तो भूट काफ़ी तगड़ा, यहाँ घास काटी नहीं है कटेगी अब। पहले से जब गाय होती थी ना तो गाय खाती थी सर गाय घास को। बाकी तिल यहाँ पर भी दिख रहा है, ये देख सकते हैं तिल भाई, पहाड़ की अपनी तो बात है यार। और तिल बता दो आपको काफ़ी कॉस्टली है, अभी जिसने लिया हुआ ये इसको पता है। और ये रहा पूरा नज़ारा शाम का, और
और ये चूहा, इसके भी पता ही होंगे आपको कि ये जब फास्ट होता है तो उस टाइम पे काम आता है खाने के। ये अपने हल्दी के पेड़, और ये गडेरी पिनालू जो जानते होंगे पहाड़ी, और ये भिंडी। भाई सारी सब्जियां हो रही है अपने घर में तो।